संदिग्ध परिस्थितियों में एक मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में आग लग गई। इस आगजनी की घटना में स्कूल में रखे दस्तावेजों के अलावा कुर्सियां भी जलकर खाक हो गई। सूचना पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। स्कूल में आगजनी का मामला सोरो कोतवाली क्षेत्र के गांव गंगागढ़ का है। इस गांव की जनता जूनियर हाई स्कूल में उस वक्त आग लग गई जब विद्यालय बंद था। जब लोगों ने विद्यालय में धुआं उठाते हुए देखा तो हड़कंप मच गया और ग्रामीण विद्यालय पर पहुंच गए, जहां स्कूल में स्कूली दस्तावेजों के अलावा बैठने उठने की कुर्सियां भी जलकर खाक हो गई हैं। पूर्व प्रधान रामवीर सिंह यादव की माने तो आगजनी की बजाय स्कूल के आसपास रखे बटोरा और कूड़े के ढेर थे, जहां कुछ रागीरों ने बीड़ी पीकर डाल दी और उसकी वजह से विद्यालय में आगजनी की घटना घटित हो गई। पूरा रखे पीछे दीवार के, हो सकता है कि किसी रास्तागीर ने बीड़ी या कोई चीज रास्ते में चलते वक्त डाल दिया, सिगरेट या कोई। मशीन बुझाने में कितनी देर में आई? मशीन आ गई करीब आध घंटा के अंदर। और जो ये लोगों ने, ग्रामीणों ने कितनी देर में आग पर काबू पा लिया? ग्रामीण तो तुरंत ही आ गए, सब लोग मिलके बिजली लाई, सप्लाई लगवाई। का क्या कारण रहा? आग पीछे से लोगों ने, किसी ने आकर पूरे रख दिए थे और उन पूरों में किसी कारण से आग लगी है ये तो पता नहीं मुझे, और आग से मेरे विद्यालय के अंदर आग लगी है। इससे मेरे विद्यालय के एएसआर है, छात्र उपस्थित रजिस्टर है, अध्यापक उपस्थित रजिस्टर है, और वैसे कागजात थे वो सारे के सारे जल गए। कुर्सी है, फर्नीचर, सारा फर्नीचर पूरा चल गया। मशीन जल्दी आ गई, आधे घंटे के अंदर आ गई। TV100 के लिए रोहतास भारद्वाज की रिपोर्ट।